बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में इस वक्त मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको दिखा दूँ कि पीछे की तरफ देखिए जगत प्रकाश नड्डा जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुंच चुके हैं और इसी के साथ जो है राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी यहाँ पर मौजूद है। और तस्वीरें आपको दिखा दूँ कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश भी हमारे साथ मौजूद है। कल भी हमने इनसे बातचीत की, कल लोकसभा के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी, अब तो राज्यसभा में भी पारित हो गया, बड़ा आगाज है। क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, और एक ऐतिहासिक घटना के हम साक्षी बने, बहुत गौरवपूर्ण क्षण थी। रात को 12 बजे उनकी तिथि के हिसाब से जो जन्मदिन था, पूरे देश की महिलाओं को उन्होंने इतना बड़ा तोहफा दिया, उनके मन की बात सुन ली। और इसी के साथ में मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो 2047 में उनको जो विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ना है, तीसरे नंबर की इकोनॉमी पे जाना है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी में हर तबके की महिला है, हर तबके की महिला संगठन से जुड़ी है, सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले जा रही है, उनका उत्साह कोई और ही है। अभी मोदी जी बोलने भी वाले हैं, महिलाओं से मिलने भी वाले हैं, आप खुद मंत्री हैं और आपने कल एक बात कही थी कि मैं भी ओबीसी समाज से आती हूँ, मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन अभी भी जो है विरोध चल रहा है और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं इसको लेकर। कहीं ना कहीं ना उसको बोलो कि आप कुली के साथ में ट्रॉली वाली बैग सर पर लिख कर ही अच्छे लगते हो, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी बोले, जो दिखता है वो बिकता है, उन्होंने क्या बिकाया है वो सबको पता है। चलिए दर्शना जरदोश है, काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले, थोड़ा सा भीड़ यहाँ पर ज्यादा है, मीडिया के जो हमारे मित्र हैं वो भी साक्षात्कार कर रहे हैं। मैं सीधा साध्वी रंजन ज्योति से आपको जोड़ने वाली हूँ, केंद्रीय राज्य मंत्री है दर्शना जरदोश जी, तो कह रही है जो दिखता है वो बिकता है और राहुल जी ने क्या किया वो दिख रहा है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। आप ये बताइए कि पहले तो एक्साइटेड कितना है क्योंकि दोनों सदनों में बिल पास हुआ। देखिए आज के दिन मुझे लग रहा है कटाक्ष नहीं करना चाहिए, लेकिन जरूर मोदी जी पुरानी पार्लियामेंट में बोले कि एक प्लेटफार्म में काम करने वाला व्यक्ति पार्लियामेंट पहुंच सकता है, तो राहुल गांधी कल कुली और कुली को भी बनाते तो कम से कम बैग लेते, वो ट्रॉली वाला बैग सर में रख के चल रहे हैं, नकल करने में भी अकल चाहिए। लेकिन आज जो हम उत्सव मना रहे हैं, ये 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति का कर्तव्य और निष्ठा, महिलाओं के प्रति आदर, रक्षाबंधन अभी बीती, हम लोगों ने राखी भेजी, रक्षाबंधन के बाद देश की 33% महिलाओं को जो ये तोहफा दिया है, ये तोहफा के लिए नहीं है, ये बिल के माध्यम से महिलाओं का संरक्षण भी होगा, संवर्धन भी होगा और महिलाएं आगे भी बढ़ेंगी। देखिए एक तरफ दर्शना जरदोश को आप सुन रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री है साध्वी निरंजन ज्योति जो कि सलाह दे रही है कि आज के दिन कटाक्ष पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ वो ये भी कहते हुए नजर आ रही है कि राहुल जी ने क्या किया और मोदी जी ने क्या किया वो साफ पता चल रहा है। एक लाइन से मैं दिखा दूं ये तस्वीरें, कैमरामैन को चाहूंगी तस्वीरें दिखाए, ये नारी शक्ति की वो तस्वीरें है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करते हुए एक बार साइन बना दीजिए, एक बार दोनों हाथ ऊपर करते हुए साइन बना दीजिए, कितनी एक्साइटेड। और ये देखिए ये हमारी वो तमाम जो है सांसद सदस्य महिलाएं हैं जो कि पार्लियामेंट में जाती हैं, अपनी बातचीत रखती हैं और आदि शक्ति यानी कि महिला शक्ति का नेतृत्व करती है। गीता जी मैं आपके पास आ रही हूँ, यूपी से आप आती हैं, कितना एक्साइटेड है? अंतकर्दम बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं चाहती हूँ अंतकर्दम जी से बात करें। जी बहुत सम्मान दिया है मोदी जी ने महिलाओं को, पहला बिल नए सदन में महिला बिल पास हुआ है और फिर आधी आबादी के लिए ये बहुत ही सम्मान की बात है, बहुत सम्मान की बात है, मोदी जी को बहुत बहुत सम्मान साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत क्या बात है। कांता गर्दम जी कह रही है बहुत बड़ी बात है। लॉकेट चटर्जी जी के पास हम लोग चलते हैं, लॉकेट जी आप भी को भी हमने पार्लियामेंट में बोलते हुए देखा, आप दोनों सदनों में बिल पास हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत हिस्टोरिकल डे है और महिला सशक्तिकरण में सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में महिला के लिए काम हुआ है और आज एक ऐतिहासिक बिल अभी महिला के लिए एक मुकुट हो गया। तो राहुल जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि ये लोग इतना दिनों से महिला के लिए सिर्फ बात किया, वोट के लिए यूज़ किया, लेकिन कभी ये बिल पास नहीं किया, इसका मन में इच्छा नहीं था। चलिए लॉकेट चटर्जी जी को आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि महिलाओं के लिए बिल तो जरूर लाए लेकिन उसे पास नहीं किया। और ये तस्वीरें मैं आपको फिर दिखा दूं, ये तस्वीरें आप देखिए और ये देखिए स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी जी पहुंच चुकी है। स्मृति जी कितनी एक्साइटेड है। स्मृति जी से हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं, पूछिए, उन्होंने भी संघर्ष में वर्षों साथ दिया। चलिए स्मृति ईरानी को भी आप सुन रहे थे और आइए आगे की तरफ, जो है और भी महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं और ये देखिए हम चलते हैं आगे की तरफ। ये तस्वीरें जो कि आप अभी इस वक्त देख पा रहे हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो तमाम महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं जो कि सांसद सदस्य भी हैं,
वो प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर क्या सोचती है, इस बिल को लेकर क्या सोचती है? संघमित्रा जी, पार्लियामेंट में बोलते हुए भी देखा है हमने आपको, और काफी तलख तरीके से अपने आप अपनी बातचीत भी रखती है। दोनों सदनों में बिल पास हो गया है? निश्चित तौर पर दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद कल का एक ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक दिन बना है हम महिलाओं के लिए, इस देश की आधी आबादी के लिए। चलिए आगे चलते हैं भारती पवार जी की तरफ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भारती पवार जी। भारती जी, सबसे एक ही सवाल है कि आखिर कैसा लग रहा है बिल दोनों सदनों में? अच्छा, बहुत गौरवशाली क्षण और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने नारी शक्ति का सम्मान किया है और ये विधेयक पारित भारी बहुमत से पारित हुआ। और आज हमारी महिला फिर एक बार देश के राजनीति में, विकास में जुड़ने जा रही है। बहुत बहुत गौरवपूर्ण क्षण है। चलिए बस थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी बोलने वाले, और उससे पहले आप सुन रहे हैं कि तमाम सांसद सदस्य महिलाओं ने क्या कहा इस महिला आरक्षण बिल को लेकर। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज 11 भारत, दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।